मालदीव जाने के लिए जोरों शोरों से पैकिंग होने लगी है, शॉपिंग हो रही है। और इस बीच ख्याल आ रहा है कि अरुणिता को ज्यादा शॉपिंग करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो विदेश जाकर ज्यादातर पवनदीप के कपड़े ही पहनती हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि अरुणिता के फैंस कह रहे हैं। बाकायदा आपके सामने अरुणिता की वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो एक नहीं दो नहीं बल्कि 10 बार अरुणिता ने पवनदीप के कपड़े पहने। वायरल वीडियो में आपको दिखाते हैं लंदन टूर के वक्त अरुणिता ने पवनदीप के व्हाइट जैकेट, ब्लैक जैकेट, मफलर, यहाँ तक कि पवनदीप की शर्ट तक पहनी, जो कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, उसके बाद वो एक और विदेश टूर पर गई थी, वहां अरुणिता ने पवनदीप का व्हाइट वाला कोट भी पहना, जबकि अरुणिता पवनदीप के कोट में बिल्कुल छुप गई है। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों अरुणिता को पवनदीप के कपड़े पहनते बहुत अच्छा लगता है। और इस बार मालदीप में कुछ ऐसा ही फिर से होने वाला है। अब गर्मियों का मौसम है तो इस बार अरुणिता पवनदीप की शॉर्ट टी शर्ट पहनने वाली है, और देखना होगा अरुणिता क्या क्या नया करती है। तो फैंस की नजरें इस वक्त अरुणिता पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अरुणिता इस बार कुछ तो नया करेंगी, कुछ तो धमाल करेंगी, जिसकी वजह से फैंस एक बार फिर इनके दीवाने हो जाएंगे। तो ऐसा हम और आप भी कह सकते हैं कि अरुणिता को ज्यादा शॉपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे इनके फैंस को इनकी अटैचमेंट बॉन्डिंग बहुत पसंद है। अरुणिता जब जब पवनदीप के कपड़े पहनती है तब तब सोशल मीडिया पर धमाल मच जाता है। फैंस इनका जमकर सपोर्ट करते हैं और खूब प्यार भी लुटाते हैं। अब फिर से कुछ ऐसा ही आप देखने वाले। 3 मार्च को अरुदीप का मालदीप में शो होने वाला है, और मालदीप तो आप जानते ही हैं कि कितना खूबसूरत है। और अरुणिता पवनदीप यहाँ पहली बार जाने तो अरुणिता तो अपने सारे अरमान पूरे करके आएंगी। मालदीप की हर खूबसूरत जगह पर जाकर खूब इंजॉय करेंगी और अपने फैंस को भी दिखाएंगी। वैसे आप मालदीप के बारे में क्या कहेंगे? क्या मालदीप के बारे में आप कुछ नया जानते हैं? अगर हाँ तो इन्हें जरूर एडवाइस दें। वैसे आपको बता दें, मालदीप के कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ जाकर जन्नत का नजारा आप देख सकते हैं, और हमें यकीन है कि पवन अरुणिता इन जगह पर तो जरूर जाएंगे। तो अभी से आप इन जगहों के नाम नोट कर लें, जिसमें पहला नाम है माले, दूसरा बनाना रीफ, बादू आइलैंड, सनसेट क्रूज, नेशनल म्यूजियम, और यहाँ तो पवन अरु जरूर जाएंगे, कुदाहू बदू द्वीप, हुलहुलमे, मालदीव विक्ट्री, ग्रैंड फ्राइडे मस्जिद, माफूसी आइलैंड। इनमें से एक दो जगह पर तो जरूर पवनदीप जाएंगे, और नेशनल म्यूजियम का नाम सुनते ही पवनदीप अरुणिता का दिल खुश हो जाएगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर एडवाइस दें। पवन अरुणिता के ताज महोत्सव की खूब चर्चा हो रही है। पवन अरुणिता के आने से पहले और भी कई कलाकार ने इस मंच पर आकर खूब एंटरटेनमेंट किया, लेकिन पवन अरुणिता को लोग ज्यादा याद कर रहे हैं। एक तो पहली बार ये आए, और दूसरी बात ये है कि पवन अरुणिता की जोड़ी के लोग इतने दीवाने हैं कि इन्हें एक साथ देखने के लिए पूरी रात बैठने को तैयार रहते हैं। कल पवनदीप अरुणिता ने ताज महोत्सव में एक से एक रोमांटिक गाने गाए। इनके गाने सुनकर ऐसा लग रहा था कि शायद शाहजहां भी मुमताज की याद में कुछ ऐसे ही गाने गाते होंगे, उनकी याद में ऐसे ही गाने गुनगुनाया करते होंगे। इस जोड़ी को देखकर लोगों को सच में शाहजहां मुमताज की याद आ गई। यूं कहे कि पवन अरुणिता ने अपने रोमांटिक गाने से शाहजहां मुमताज की लव स्टोरी याद दिलाने पर मजबूर कर दी। इनकी धमाकेदार परफॉर्मेंस होने के बाद सचेत परम्परा, जिनका नाम सुनकर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, ये वही सचेत परम्परा है जिनकी जोड़ी ने शिव तांडव, जुग जुग जीवे, पतली कमरिया जैसे गाने गाकर आज पब्लिक को पागल कर दिया है। लोग इनके इस कदर फैन हो चुके कि उठते बैठते दिन रात बस इन्हीं के ही गाने गुनगुनाते हैं। एक तरफ पवन अरुणिता और दूसरी तरफ सचेत परंपरा की जोड़ी धमाल मचा रही है। लेकिन कल वाले शो में सचेत परंपरा के संग कुछ ऐसा हुआ कि लोग हाथ जोड़ने लगे और कहने लगे कि ऐसा किसी के साथ ना हो। जी हाँ, सचेत परंपरा मंच पर परफॉर्मेंस देने के लिए आए थे, तभी एक जानवर ने हल्ला बोल दिया। घबराइए मत, कोई हादसा नहीं हुआ, बल्कि ये वीडियो देखकर लोगों का एंटरटेनमेंट हो गया और लोग हंसी ठहाके मारते हुए लोटपोट होते दिखाई दिए। हुआ ये कि सचेत परंपरा परफॉर्मेंस दे रहे थे कि तभी एक कुत्ता मंच पर चल जाता और इनके आगे से निकलता हुआ चला जाता। ये फनी किस्सा देखकर लोग हंसी से लोटपोट हो गए और कहते दिखाई दिए, क्या कुत्ता अपनी परफॉर्मेंस देने आया था? अब इतनी सारी सिक्योरिटी क्या लोगों के लिए है, कुत्तों के लिए नहीं है? ये बोलकर भी लोग खूब मौज मस्ती ले रहे थे। लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि पवन के शो में ऐसा ना हो, वरना फिर लोगों का ध्यान इन जानवरों पर जाएगा और पवन अरुणिता से ध्यान हट जाएगा। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं।
पवन अरुणिता ने अभी अभी गुड न्यूज दी थी कि अचानक से अरुणिता की खुशियों को नजर लग गई। दो एक दिन से लगातार अरुणिता पवनदीप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से वीडियो शेयर कर रहे हैं। जी हाँ, ये हैरानी की बात इसलिए क्योंकि अभी तक पवनदीप अरुणिता को ऐसे वीडियोस बहुत कम शेयर करते देखा गया था, लेकिन अचानक से ऐसा लग रहा है कि पवनदीप अरुणिता अब सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने लगे हैं। जी हाँ, अपने फैंस के लिए पवनदीप अरुणिता अब छोटे छोटे वीडियोस बनाकर शेयर करने लगे हैं, रोज का रूटीन बताने लगे हैं। जी हाँ, अभी तक ये सोशल मीडिया से बहुत दूर रहते थे, लेकिन अब पवनदीप अरुणिता दोनों ने सोशल मीडिया से नजदीकियां बढ़ा ली और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की प्लानिंग की है, जिससे इनके फैंस इनसे जुड़े रहे और इन्हें हर रोज ढेर सारा फैंस का प्यार और सपोर्ट मिलता रहा। ये सब शुरू ही किया था कि अचानक से अरुणिता के फैन फॉलोइंग कम होने लगी। जी हाँ, अरुणिता के फैन फॉलोइंग बढ़ने के बजाय कम होने लगी। कुछ देर पहले ऐसी खबरें आई कि अरुणिता के 1.7 फॉलोअर्स थे, लेकिन अचानक से जब उन्होंने पीआरए गाना गाया तो अरुणिता के फॉलोअर्स 1.7 से 1.6 हो गए। ऐसे में फैंस भी घबरा गए और अरुणिता पवनदीप को भी झटका लग गया। लेकिन अगर आप भी पवनदीप अरुणिता के फैंस है तो आपको बताना चाहूंगी कि कोई फैन फॉलोअर्स कम नहीं हुए, बल्कि अचानक से 1.6 दिखना कोई टेक्निकल ग्लिच हुआ था, जिसकी वजह से अरुणिता के फॉलोअर्स कम दिखने लगे थे। अब अगर आप अरुणिता के फॉलोअर्स को चेक करेंगे तो आपको वापस से वही 1.7 दिखेंगे और हम उम्मीद करते कि जल्द ही अरुणिता के 2 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएंगे। वहीं आपको बता दें, पवनदीप अरुणिता ताज महोत्सव के लिए निकल चुके हैं और जल्द ही इनकी वहां से दिलचस्प वीडियो सामने आने वाले, तो आप इन वीडियोस को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पवन अरुणिता आज सुबह सुबह हारमोनियम और पियानो के संग दिन को रंगीन तो पहले ही बना चुके हैं, लेकिन आज के दिन को इन्होंने एक दूसरे के संग भी खूब एंजॉय किया। जी हाँ, पियानो बजाने पवनदीप की नजर बार बार अरुणिता को पलट पलट कर देख रही है और अरुणिता हारमोनियम बजाते बजाते पवनदीप पर ध्यान दे रही है, जिसकी फोटो खूब वायरल हो रही है और न केवल एक दूसरे को देखा जा रहा है बल्कि मुस्कुराया जा रहा है, स्माइल पास की जा रही है और इस फोटो ने बहुत कुछ कह दिया है। जी हाँ, फैंस का दिल जीत लिया एक बार फिर। पवनदीप अरुणिता के फैंस इनकी शादी की बातें करने लगे, अब तो शादी कर लो। वहीं आपको बता दें, अरुणिता कांचीलाल के फैंस की तरफ से अरुणिता और ज्योति दीप की भी फोटो शेयर की गई है। अरुणिता और ज्योति दीप की उत्तराखंड की फोटो बताई जा रही है, जब हाल ही में अरुणिता पवनदीप के संग उत्तराखंड गई थी और यहाँ इन्होंने पवनदीप के परिवार वालों के संग खूब एंजॉय किया, जिसकी फोटोज अब एक एक करके निकल कर सामने आ रही हैं। ज्योति दीप के संग किसी पार्क जैसे एरिया में खूब मस्ती करती दिखाई दी अरुणिता। अरुणिता और ज्योति दीप की बॉन्डिंग देखकर ऐसा लग रहा है कि पवनदीप के घर वाले भी अरुणिता से बहुत खुश हैं, बहुत इम्प्रेस हैं और वो अरुणिता को ही अपने घर की बहू बनाएंगे। अब बस पवनदीप के मुंह से हाँ सुनने की देरी की जा रही है। वैसे ये सब फोटो क्या हाँ के लिए काफी नहीं है? आंखों ही आंखों में इशारे और बातें हो रही, ये सब हाँ सुनने के लिए ये सब फोटो काफी है। हाल ही में अहमदाबाद वाले शो में तो इनकी क्लोजनेस वीडियो देखी गई, जब मंच पर अरुणिता बच्चों की तरह उछल रही हैं। कहते हैं ना, किसी भी काम को करने के लिए मन और तन दोनों ही अच्छा होना चाहिए और अरुणिता का मन तो अच्छा ही है और यहाँ उछल कूद करके वो अपने तन को भी स्वस्थ कर रही है और जब ये सब होता है तो उन्हें काम करने में मजा आता है। यहाँ अरुणिता भी कुछ ऐसा ही कर रही है। साउंड चेक करवाने से पहले अरुणिता कांचीलाल मंच पर खूब उछलती कूदती है, नाचती है, बच्चों की तरह डांस करती दिखाई दे रही है। तो बातों वो कभी पवनदीप के करीब आती हैं, कभी दृष्टि के और कभी चॉकलेट पाए से बातें करती हैं, हर किसी इंटरेक्शन कर रही हैं। पहले आप पवनदीप अरुणिता की अहमदाबाद वाली रोमांटिक वीडियो को देखकर क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।